एक खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से भी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये बैठक ली। उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। सभी विभागों के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम की तरफ से जानकारी दी गई, ना एमएसपी बंद हुई है और ना ही मंडियां बंद हुई है। एक बार फिर से उन्होंने किसान के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा दावा किया है कि ना मंडियां बंद हुई है, ना एमएसपी खत्म हुई है। फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की और बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने जानकारी दी। सभी विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम की तरफ से बयान दिया गया और डिप्टी सीएम ने बयान देते हुए कहा कि ना एमएसपी बंद हुई है और ना ही मंडियां। एमएसपी मुझे नहीं लगता सरसों सूरजमुखी दाल कोई मार्केट में आई एमएसपी से ज्यादा प्राइस पे बिकी, और गेहूं का एक एक दाना एमएसपी पे हमने खरीदने का काम किया। दूसरी थी मंडी चलनी चाहिए। आप खुद दिन भर घूमते हैं, कोई एक मंडी ऐसी बताओ जो आज बंद हुई हो या कोई दुकान ही बंद हुई हो किसी मंडी के अंदर। आढ़ती को भी उसकी आढ़त का दाम पूरा मिला और किसान की फसल का भी पूरा एमएसपी उसके खाते में ट्रांसफर करने का हमारी सरकार ने पिछले 1.5 साल से काम किया। और उसके साथ साथ आज अगर हम प्रदेश के अंदर बात करें, किसान के लिए एक नहीं अनेक योजना पिछले 1.5 साल में लाए। चाहे कोई जीरी छोड़कर अल्टरनेटिव क्रॉप पर जाता है तो 7,100 रुपये उसको बेनिफिट के तौर पे प्रति एकड़ सरकार देती है। फिर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई और क्या कुछ रहा इस बैठक के दौरान, और बैठक खत्म होने के बाद दुष्यंत चौटाला की तरफ से किसानों के मुद्दे पर, खासतौर पर एमएसपी पर, एक बार फिर से दावा किया गया? देखिए प्रिंस, बिल्कुल, आप जो है फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की जो है बैठक की गई थी, इसमें तमाम जो है समस्याओं का समाधान जो है मौके पर किया गया था। खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अध्यक्षता की थी। इस मौके पर तमाम जो अधिकारी हैं, हर विभाग की बात करें तो वो मौजूद रहे थे। वहीं जो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों को, किसान आंदोलन को लेकर के लगातार जो जिस तरीके की बात सामने आ रही है उसको लेकर किसानों के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि बीजेपी सरकार में किसानों की ना तो एमएसपी बंद हुई है और ना ही मंडियां पूरी तरीके से, किसान है उनका जो पैसा है वो किसानों तक पहुंच रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी किसानों के लिए कहा है कि आधुनिक खेती करें ताकि उन्हें एक अच्छा दाम मिल सके अपनी फसलों का। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो दुष्यंत चौटाला है उन्होंने जो है कहीं ना कहीं किसानों की जो है समस्या को जो है समझते हुए ये बात यहाँ पर कही। और साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला ने अपने दादा ओम प्रकाश सिंह चौटाला को जो है बाहर आने पर साफ तौर पर उन्होंने खुशी जाहिर की, और उन्होंने ये कहा है कि ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है एक सबक है जो जिनकी वजह से जेल जाना पड़ा था जो है ओम प्रकाश चौटाला जी को। इसके साथ साथ 7 महीने के बाद जो है अजय सिंह चौटाला भी बाहर होंगे, ऐसी जो है उन्होंने उम्मीद जताई। तो साफ तौर पर आज जो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक रही उसमें कई मुद्दों पर बात हुई, और इसी को लेकर के एक अहम जो है मुद्दा यहाँ पर यह भी रहा कि जिस तरीके से डिपो होल्डर है वो कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली सामने आती है, उन डिपो होल्डरों के खिलाफ भी जो है सख्ती से जो है निपटने की बात यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने की है। जी, शुक्रिया मुकेश मसा जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे